हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज है। जिन्होंने दिसंबर 2021 में सीटेट का एग्जाम दिया था उनका इंतजार हुआ खत्म। आज सीबीएसई ने नोटिस जारी कर दिया है कि आज शाम को आपको 5 बजे तक रिजल्ट देखने को मिल सकता है सीटेट का। और जहां तक नॉर्मलाइजेशन की बात थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो जिन बच्चों ने, लाखों बच्चों ने सीटेट का एग्जाम्स दिया था दिसंबर 2021 में और उनको डर था कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, कोई पेपर हार्ड है कोई पेपर इजी है टफ है, तो फ्रेंड्स ये इसका डाउट हुआ क्लियर, आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों के लिए जिन्होंने दिसंबर 2021 में एग्जाम दिया था। आई होप आप सबका क्लियर हो जाए, अच्छे नंबर आए और उसके बाद आप अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी में लग पाए, क्योंकि आपके आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो सारे आपके जॉब वाले एग्जाम्स हैं, चाहे फिर वो सुपर टेट हो, DSSSB हो, KVS हो या फिर वो भी कोई अदर एग्जाम्स हैं। तो सब एग्जाम में आप अच्छे से कर पाए, आपका सीटेट क्लियर हो पाए। और जिन बच्चों का क्लियर नहीं हो पाता है सीटेट, वो बच्चे निराश नहीं हो, क्योंकि आपका 2022 में फिर नोटिफिकेशन सीटेट का देखने को मिलेगा और जुलाई अगस्त तक हो सकता है कि आपको एग्जाम भी देखने को मिल जाए। तब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहें, एग्जाम्स को तैयारी को छोड़े नहीं, क्योंकि कभी निराशा होती है तो हो सकता है वो निराशा आपको किसी अच्छे चीज के लिए हो रही है कि आगे आपको मोटिवेट करे कि आप आगे और मेहनत करें और आप अच्छे नंबरों से क्लियर कर पाए। तो बेस्ट ऑफ लक उन बच्चों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया था दिसंबर 2021 में, उनका क्लियर अच्छे से हो। और बाकी आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहें, जो भी आपका एग्जाम से नोटिफिकेशन आता है रिलेटेड टीचिंग के एग्जाम से, उसका मैं टाइम टाइम पे आपको देती रहूंगी, चाहे फिर वो सीटेट हो, रीट हो, MPTET हो, BTET हो, जैसे कि BHTET का भी आने वाला है, उसके बाद आपका KVS है, DSSSB है, तो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलता रहेगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको रिजल्ट के बाद। ऑल द बेस्ट, अच्छे से आपका रिजल्ट आए। बाय, गुड बाय।